आइए नाज़रीन, आज हम लोग आपके लिए खास मालूमात और आपके फायदे के लिए क्या चीजें हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर सकाना नाका जाजूवाली कॉम्पाउंड में कंस्ट्रक्शन टेयर फेयर सेंटर का इनकार किया गया, जिसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और वहां पर पूरा नासिक जिला से अलग अलग कंस्ट्रक्शन फेयर के अंदर काउंटर लगाए गए थे, स्टॉल लगाए गए थे। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी दौर के अंदर भी पुरानी चीजों का इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है। उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए कि पुरानी चीजों में हम आपको क्या दिखा सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो फ्यूचर में भी मतलब ऐसी चीजों से मतलब मकान को बनाना जो सालों तक टिका रहे, खूबसूरत रहे और एक अच्छी डिजाइन के साथ देखने वाला मतलब देखने के बाद ये कहे कि ये किस चीज में बना है, तो सवालों में घिर जाने वाली चीज है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि हैंडल्स और इसके अलावा अनेक मतलब जो है तो मतलब यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी की जो चीजें हैं हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर मतलब भी हर चीजें नेचुरल है, नेचुरल लकड़ियों से बनी हुई पैंस की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही क्वालिटी उसकी अलग होती है। जिस जगह पर हम खड़े हुए जो मेरे पैर के नीचे जो लकड़ी है उसकी खास बात यह है कि गर्मी के वक्त में ये ठंडा क्लाइमेट हमको देती है और सर्दी के मौसम में गर्म क्लाइमेट हमको देती है। यहाँ पर जो दीवार जो है ये दीवार भी पूरी पैंस की लकड़ी जो है ये उससे बनी हुई है नेचुरल, इस पर कोई कलर नहीं है, ये बिना कलर के ही मतलब जो तो इस प्रकार से चमक देती है और इसकी क्वालिटी है, ना ये खराब होती है, ना सड़ती है, ना इसमें कील लगती है। तो ये पूरी जो लकड़ी से मतलब बना हुआ है आप इसको अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगलों में इसे लगा सकते हैं, इसका एक डिजाइन, एक कलर। सबसे खास बात इसकी है कि हम जब पेंट करते हैं दीवारों में, हम बहुत महंगी महंगी दीवारें बनाते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 1-1 करोड़ के हम लोग बंगले बनाते हैं, लेकिन इसमें जो दीवारें होती है इसमें जो पेंट होता है वो आंखों पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी खींचता है। लेकिन ये जो लकड़ियां होती है कुदरती कलर और कुदरती जो बात इसमें होती है ये आपकी आंखों पर कभी कोई भी इफेक्ट नहीं करता, आपकी रोशनी नहीं खींचता, इस पे कोई कलर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नेचुरल एक बार लगाओ और सदियों तक इस्तेमाल करते रहो। इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो लकड़ी है ये पूरी तरीके से राई ढाबी वाले हमारे साथ में जो सलीम भाई है हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूरी मालूमात लेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हम इसके बारे में जितना जानते थे उतना ही आपको बता सकते हैं, लेकिन जो इसके मैन्युफैक्चरिंग राई ढाबी वाले सलीम राई ढाबी वो हमारे साथ में है, हम उनसे। इस साइड में जो लगा हुआ है ये सब मैसूर का शीशम है, ये फैन बंद कर दो, लगा हुआ है सब मैसूर का शीशम है, ये नेचुरल कलर है मैसूर के शीशम का, ये बहुत उम्दा लकड़ी होती है, एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। इसकी जो व्हाइट कलर की लकड़ी लगी हुई है ये अमेरिकन बोलते हैं इसको, व्हाइट शीडर। ये डोर पे लगी हुई है जो है ये कैनेडियन व्हाइट शीडर है। अच्छा, आप मतलब बाहर मुल्कों से भी मतलब? हाँ, बाहर मुल्कों से माल आता है और बाहर मुल्कों में जाता भी है और आता भी है। 17 देश से माल आता है, 17 देश में माल जाता भी है हमारा। तो मालेगांव शहर में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड है, बाजू में जो चीजें मंगू जरा वो भी दिखाइए ताकि लोगों तक उसकी भी मतलब जानकारी पहुंच। देखिए दर्शकों नाजरीन, यहाँ पर अब आपको घर में इस्तेमाल होने के लिए जो सामान होता है, जो चीजें होती है वो किस प्रकार से खुद मैन्युफैक्चरिंग करके महंगी महंगी लकड़ी में से बात करेंगे आप। फाइन वुड की लकड़ी है, इसके अंदर अपन जो रोटी का डब्बा बोलते हैं, हाँ, इसको हॉट पॉट बोलते हैं बाहर मुल्कों में। हाँ, हॉट पॉट हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको बाहर। ये कौन सी लकड़ी में? ये पाइन वुड की लकड़ी में, पाइन वुड की। इसमें जरासीम में लगते हैं, अपन जो प्लास्टिक की जो डिब्बे के अंदर रोटियां खाते हैं तो उसके अंदर जरासीम लगता है, तो उसी से कैंसर होते हैं। अच्छा, लकड़ियों में जो भी खाने पीने की सामान आप से खाएंगे उससे आपकी हेल्थ हो, जैसे पुराने जमाने में लोग लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तो आज वो दौर आना पड़ेगा, अगर आप रिमैक्स दवा खाना नहीं जाना है तो फिर इसका इस्तेमाल करो आप, इतनी बीमारियां बढ़ रही है उससे बचना है तो इसका इस्तेमाल करो आप। अच्छा, इसीलिए पुराने लोग लकड़ी और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते, घर भी बनाते थे लकड़ियों, जब से कॉन्क्रीट के घर बनने लगे, ये सीलिंग है ऊपर देखो, ये लोग जो है आज जो सीलिंगे है पीओपी वगैरह जो कर रहे हैं इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो सर्दी के अंदर जो ठंडी हो जाती है तो अपनी बॉडी के ऊपर जो उसके असरात पड़ते हैं जी, वो असरात से अपने बॉडी ठंडी होती है, हाँ, और इसकी जो सीलिंग है ये गर्म हो जाता है, तो जैसे अपने सर्दी का दिन है तो गर्म है तो अपने को हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, हाँ। ये पॉट्स बने हुए ये प्लास्टिक के लोग वापरते हैं, ये पाइन वुड में न्यूजीलैंड में बना हुआ है,
ये रोज वुड में बना हुआ है, रोज वुड में, रोज वुड की लकड़ियों में। ये कंघी है, ये भी लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा हाँ, ये तो खास बात है कि ये लकड़ी की कंघी से क्या फायदा, मतलब इसके फायदे है, बाल नहीं टूटता इसके अंदर। अच्छा, और जो बाल के कीड़े रहते हैं इसको झट कर चुम्बक जैसे निकाल देते फट कर। इसमें बहुत फायदे है लकड़ियों की कंघी से। आज यूरोप के लोग ऐसे नहीं वापरते इसको। हाँ, यूरोप के लोगों ने इंडिया को प्लास्टिक दे दिए और खुद नेचुरल चीज वापर रहे। हाँ, हमारे देश को भी चाहिए कि देश के मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लकड़ी की प्लेट है, इसके अंदर जो है हाथ वर्क है, हाथ हैंड वर्क, हैंड वर्क इससे बनी हुई है ये डिजाइन है। आज ये आर्टिफिशियल चीजें आ गई है, चाइना दे रहा है ये आपको ये सब चीजें मिलेंगी नहीं है। मालेगांव में खुद बनती है, मालेगांव के लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, यहाँ से लोग ले जाके बाहर मुल्कों तक बेच रहे। 17 मुल्कों से मालेगांव का आइटम जा रहा है, लेकिन मालेगांव के लोग इससे वंचित है, मतलब वो इसे ले नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, वो प्लास्टिक के बर्तन में फायदे लोगों को। हाँ, और क्या चीजें मतलब जो पहुंचा सकते लोगों तक? ज्वेलरी बॉक्स है हमारे पास, ये भी उमदा किस्म की क्वालिटी में, इसकी डिजाइने देखो आप सब, हैंड वर्क में। आज प्लास्टिक में आते हैं ये सब, लकड़ियों में बने हुए। और इसके अलावा और ये जो सब सामने रखे हुए ये भी सब नेचुरल लकड़ियों के आइटम। अच्छा, इसकी जो अभी इतनी महंगी महंगी लकड़ियां, मतलब ब्रांडेड लकड़ियां है, नेचुरल लकड़ियां है, 17 मुल्कों से बाहर आते हैं, तो इसकी जो कीमत का जो मतलब सबसे अहम सवाल है, लोग ये पूछेंगे कि यार ये कीमत मतलब महंगी होगी। प्लास्टिक की जो चीजें लेते हैं उसके कंबाइन में कीमत है, उसको तुम 3 वापरेंगे जिंदगी भर वापरेंगे आप। अच्छा, ये सस्ती पड़ने वाली है। हाँ, वो बार बार मतलब टूट जाती है, बार बार टूट जाती है, फिर मतलब उसको लाओ इस्तेमाल करो, तो जितना उसको उसमें मतलब जो पैसा जाता है वही पैसे में ये सामान भी आ जाता है, सामान आ जाता है। और ये नेचुरल सीलिंग वगैरह की देख लो शो, जो लकड़ी आज ये 20 साल पहले बना हुआ है सब, आज के आज कायम है हमारे पास में चीज। अच्छा, 20 साल पहले बना हुआ, आज भी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो अभी तो बना हुआ है, अभी बना हुआ है 20 सालों, इसकी ना फिनिशिंग गई है, ना रंग रौंगट गई है, ना कुछ गया। हमारे पास ट्रे बनती है, ये लोग प्लास्टिक की ट्रे वापरते है। हाँ, ये जर्मन पाइन वुड की लकड़ी में बनी हुई ट्रे है। हमारे पास कम से कम 50 डिजाइनों में ट्रे बनी हुई है, ये भी लकड़ियों की है। आज लोग घरों में प्लास्टिक की ट्रे मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शीशा वुड की लकड़ी की ट्रे बनी हुई है, आज लोग प्लास्टिक छोड़ दिए। तो आपको लकड़ी तरफ मट्टी तरफ आना पड़ेगा अगर हेल्थ को कायम रखना है तो, और नेचुरल चीजों तरफ आना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपकी सेहत का राज क्या है? हमारी सेहत का रास तो यही है कि हम तो नेचुरल चीजों में रहते हैं, जिंदगी लाइफ गुजारते हैं, घर भी इसी में है, खाना भी इसी में, खाना भी इसी में, ऑफिस भी इसी में, इसी में हमारी कारखाने हैं, हमारी फैक्ट्री हैं। अच्छा, ये प्यालिया और ये जो कंगन, मतलब जो शौकीन कंगन है, जो हम अक्सर जब बाहर कहीं जाते दिल्ली आगरा इधर, तो ये सारी चीजें हमको वहाँ देखने के लिए मिलती है। मालेगांव में बनती है ना, मालेगांव के लोग नहीं लेते, तो इसलिए इसको बाहर बेचना पड़ता हमको। अब स्टॉल वगैरह सेमिनार लगा है, हम लोग हमारा अगर कॉपरेट करेंगे तो हम ये यूनिट को भी आगे ले जाएंगे। ये चमचे हमारे पास एक कस्टमर आया था, बोले मैं स्विट्जरलैंड गया था MB शुगर वाले, बोले वहाँ खरीदा, बोले चीजें नहीं देखा, ये पाइन वुड के चमचे है जी हमारे शहर में उनकी लकड़ी है, उन्होंने खुद बोले यार मैं खुद वहाँ से खरीद के लाया, मैं आपकी शॉप पे आऊंगा ले जाऊंगा, ये मेरे पूरी फैमिली लेके आऊंगा। बताओ, जिनको जो सामान मालेगांव में बनता है लोग विदेशों में खरीदते हैं उसको। ये प्यालियां है वुडन की, अभी अपन प्लास्टिक की प्याली में गरम चीज रखते हैं तो वो गरम चीज जो है वो खाने के अंदर उतर जाती है, कैंसर पैदा करती है। बराबर, आप प्लास्टिक की जितनी भी चीजें वापरेंगे उससे कैंसर ही होगा आपको। या तो आपको दवा खाना जाकर नंबर लगाओ, या तो फिर इसको नेचुरल चीज वापरो। अच्छा, इसको हम किस चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्यालियों को? इनको तुम सूप पीने के लिए, सब्जी में, सब्जी खाओ, उसके अंदर पूरा खाने का जितना भी सामान है हर चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। अक्सर हम होटलों में इधर उधर मतलब इसको देखते हैं। ये रेलवे स्लीपर रूट बोलते हैं इस लकड़ी को, रेलवे के नीचे 100 साल रहती है, उसके बाद इसका यूज होता है।
आज जितने वीआईपी के घर के ऊपर जो बाहर गेट लगे रहते फिल्म स्टार लोग के, ये रेलवे स्लीपर रोड के ही रहते। अच्छा। हाँ, मतलब अमिताभ बच्चन के घर पे तुम बाहर देखेंगे शाहरुख खान के स्लीपर रोड ही लगा। कोई खास बात इसकी? इसमें क्या है, नेचुरल लेडी रहती है ना, इसके लिए देखने में खूबसूरत भी लगता है और एक बार लगा दो वन टाइम लाइफ टाइम। ये हिंडल लगे हुए हमारे यहाँ पीस में 6 फुट के डायरेक्ट हिंडल कांच के ऊपर, और फ्रैक्चर है हमारा। और आसानी के साथ में, मतलब ये तो आसानी साथ में फिट होंगे मिलेंगे, कोई इसके अंदर आपको तकलीफ नहीं है। अच्छा। ये जालियां लगी हुई है, ये एलुमिनियम में लोग देते हैं हमारे यहाँ पे जालियां जो है ये उडन के अंदर बन के मिलेंगे आपको मैन्युफैक्चर पूरा, जो पुराने किले वगैरह महलों में रहते थे उस डिजाइन से मिलेंगे आपको नेचुरल। अच्छा, अगर कोई ये चाहे कि उनके हिसाब से कोई डिजाइन तैयार करके अगर बनवाना चाहे लेना चाहे आपको ऑर्डर दे डिजाइन सिलेक्ट करे, तो क्या आप उनकी मंशा के हिसाब से उनकी बना के देंगे? हम पूरा उनको फार्म हाउस बना के दे सकते हैं, लकड़ी में 10 साल की बिल्डिंग बना के दे सकते हैं, जो मैन्युफैक्चर चाहे लकड़ी में हम करवा देंगे। अच्छा, डिजाइन आप तैयार करो बनाकर हम देंगे। देंगे डिजाइन बना के लाओ। ये इसके अंदर जो निशाना था ना, ये पटासी के वैसे लगे हुए, आज मशीनरी आ गई, उस जमाने में मशीन नहीं थी तो इसको पटासी से छील के बनाया गया, तो इसलिए उसको नेचुरली आज तक वैसे ही रखा गया, इसकी फिनिशिंग भी नहीं की हमने। अच्छा, अब हाथ की बनी हुई चीज है। अच्छा, अगर आप कोई मतलब बनाना चाहे बना के दे सकते हैं आज भी उसको। अच्छा, अब हैंडवर्क हो, दुनिया भर के मुल्कों में आपका माल जाता है, अगर कोई जैसे कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो कलमा लिखवा कर ले सकता है, अगर कोई मतलब अलग अलग धर्मों से, हमारा देश जो है तो कई धर्मों से बना हुआ है, तो अगर कोई ये चाहे कि मतलब वो कोई ओम लिखवाना चाहे कोई कुछ और लिखवाना चाहे? नहीं, वो तो नहीं लिख के दे सकते हम। हाँ। जो अरबी जबान में हम लिख के देंगे इसको। अरबी जबान में जितनी चीजें हम लिख के दे सकते हैं। अच्छा, ये सोफे की कोई खास बात मतलब आपके? ये सोफे जो है ये बबिंगा लकड़ी का बने हुए, बबिंगा अफ्रीका की लकड़ी आती है, इसके अंदर देखो 4-5 कलर है कुदरती, ये जो है सनमाइके में लोग आर्टिफिशियल में बनाते हैं। अच्छा, मैं खुद इसको सनमाइके ही समझ रहा था, तो ये आर्टिफिशियल लकड़ों में बना हुआ है टोटल, ये बनने इसको 20 साल हो रहे हैं, 20 साल हो गया, आज भी वो नया दिखता है और इसका यूरोप डिजाइन है पूरा। बीस साल पुरानी मतलब वन टाइम लाइफ टाइम, एक बार बना लो। ये झूमर है, ये लकड़ी के बने हुए जो पहले जमाने में बनते थे, आज कांच के आ गए। हाँ, जो बंगलों में मतलब जो तो महलों में लगाए जाते थे पहले जमाने में, तो ये रिटर्न हम लाए इसको। ये जीना है, पहले लकड़ियों के बनते थे किले में बाहर, इसको हमने वापस लाए, इसकी रेलिंग है, ये पाइन वुड की लकड़ी में बनी हुई है, इसके खंभे है ये भी पाइन वुड के लकड़ी में, ये वॉल पैलेरिंग है लगी हुई रेलवे स्लीपर की, इसके नेचुरल रफ कटिंग बोलते हैं इसको, स्लीपर कटिंग, ये बहुत उम्दा लकड़ी आती है और ये सब वीआईपी लोग के यहाँ सुपर स्टार फिल्म इनके यहाँ रहती है, ये लगी हुई है हमारे। अच्छा, ये कितने साल पहले से लगी हुई? ये 100 साल, ये तो रेल के नीचे रहती है, आज हमारे यहाँ 20 साल से लगी हुई है। अच्छा, रेल के नीचे पहले 100 साल रहती है, अभी उसके बाद इसका यूज होता है, इसलिए इसका नाम रेलवे स्लीपर है। इसमें कितने कलर है नेचुरल देखिए आप, इसमें होल आते हैं, पॉड्स आते हैं, ये सब कुदरती कलर है, इसमें नेचुरलिटी देखिए इसको, ये होल आते हैं, इसको भरते नहीं, इसको नेचुरली बताया जाता है। अच्छा, ये मन्नत बंगले के अंदर भी बाहर लगी हुई है। हाँ, हाँ, देखा है हमने, अंबानी के वहाँ भी लगी हुई है। अच्छा, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के यहाँ लगी हुई है, यहाँ मालेगांव में MP शुगर वाले के यहाँ लगी हुई है। हाँ, हमारे सिल्वर किंग वाले अनवर सेठ के यहाँ लगी हुई है। जर्मन पाइन में। अच्छा, हर तरफ से अगर इसको देखे तो अलग डिजाइन दिखता है, हर तरफ से अलग डिजाइन है इसको लीवर डिजाइन बोलते हैं। अच्छा, लीवर डिजाइन, लीवर डिजाइन, ये पॉड्स जो है इसको टावर बोलते हैं, ये स्पॉट होते हैं, इसको बनाया गया ताजमहल जैसे चारों तरफ से दिखता है नेट जैसा, तो ये भी चारों बाजू से एक डिजाइन दिखेंगे आप, किधर से भी मतलब कैसे भी रख दो, किधर से भी देखो, किधर से भी देखो ताजमहल जैसा चारों साइड डिजाइन दिखेगा, और ये एक एक पट्टी के ऊपर जमा के बनाया गया है, देखिए आप इसकी पूरी
काफी बारीक बीनी का काम है। ये गट्टू टाइल है, जो अपन गट्टू ये लगाते हैं ना सीमेंट के टाइल, तो ये कश्मीर पाइन में बने हुए, कश्मीर का जो आता है ना पाइन वुड, उसमें बने हुए पाइन वुड। देखने में टाइल की मतलब शक्ल दिखता है, डिजाइन दिखती है उसकी, ये लकड़ा है पूरा। ये भी जो लगा हुआ है झूमर, ये लकड़ी का ही झूमर है जो पुराने जमाने में लगता है, हम इसको रिटर्न लेके आए। अच्छा, इसकी केबलिंग मतलब जो इसकी वायरिंग है वो भी एकदम आसान, वो भी आसान है वायरिंग, जो ऐसा रहता है ना उससे भी आसान है। हाँ। इसको तो आप बल्ब बदली का तकलीफ, उसमें तो आपको तकलीफ है, बहुत तकलीफ है आज के झूमर में, वो फूट गया तो नीचे शीशम की लकड़ी का बना हुआ है। आज लोहे में लोग पत्थरों में बना रहे हैं, अब वापस जमाना आ रहा है, लोग लकड़ी में बना रहे, जीना ले जाए, तना काट के बनाया गया है इसको। अच्छा, ये कौन सी लकड़ी में बनी है? ये रोज वुड में, रोज वुड में नेचुरल घड़ी है, नेचुरल घड़ी है। एक बार लगाओ लाइफ टाइम, मतलब जरूरत नहीं, बॉम्बे टाइम टाइमर। राही डाबी, मालेगांव शहर मुशावरा चौक, मालेगांव शहर का मशहूर इलाका। आपको घर बनाना हो, फार्म हाउस बनाना हो, या घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, राई प्लाईवुड, राई डाबी, मालेगांव शहर का एक बेहतरीन नाम राई डाबी, जहां कुदरती लकड़ियों में और कुदरती नेचुरल लकड़ियों से आपको घर, मकान, बंगला, बिल्डिंग, फार्म हाउस या घर में इस्तेमाल होने वाले हर बर्तन आपको राई डाबी पर मिल सकते हैं। दुनिया की कुदरती कहीं अलग अलग लकड़ियों से बने हुए हर साजो सामान ऑर्डर के मुताबिक, आपकी मंशा और आपकी चाहत के मुताबिक राई डाबी तैयार करके आपको दे सकता है। इस वीडियो में आपको सलीम, जो इसके ओनर है, सलीम राई डाबी, इनका नंबर भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। आप राई डाबी पे इस नंबर पर सलीम राई डाबी से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी साजो सामान, घर की सजावट, घर बनाना हो, फार्म हाउस बनाना हो, बंगले बनाने हो, या फिर कोई भी रंग रौंगट या साजो सामान इस्तेमाल करने के लिए आपको लगते हो, झूमर हो, हर चीज़ जो आप बंगलों में घर में रख सकते हो, वो आपको राई डाबी पर तैयार करके ऑर्डर के मुताबिक रेडीमेड मिल सकती है। तो आप नेचुरल और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, राई डाबी, सलीम राई से संपर्क करें, मालेगांव।